गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे उसका नाम चैप्टर का नाम था यूनिट यूनिट्स पढ़ रहे थे उसका नाम था इकाई। ठीक है, उसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे मीट को फॉलोम में कैसे करेंगे, फॉलोम को गर्ज में कैसे करेंगे, गर्ज को फूड में कैसे करेंगे और फूड को इंच में कैसे करेंगे, वो हम लोग प्रीवियस क्लास में किए। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर के द्वारा टेम्परेचर स्केल को हम लोग मतलब टेम्परेचर को किस किस्म में करते हैं। फारेनहाइट में होता है, रिगर में होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में होता है। ये चार टेम्परेचर स्केल है, डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री रिगर और डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन होते हैं, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई मात्रा केल्विन होता है, केल्विन। ठीक है, हमारा रहेगा जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है, किसी बच्चा को या हम लोग को फैमिली मेंबर में परिवार में किसी को क्या होता है, बुखार लगता है। क्या लगता है आपको? बुखार लगता है, लगता है ना बुखार, किसी को लगता होगा तो सबके यहाँ क्या होता है, थर्मामीटर होता है। क्या होता है? थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्या करता है, हम लोग बाह में या मुंह में जीभ में डालता है या बाह में क्या करता है, पकड़ते हैं एक मिनट और जो उसमें जो उसका रीडिंग देता है, उसका रीडिंग वो रीडिंग किसमें देता है, फारेनहाइट में देता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं मिलता है। वो जो रीडिंग मिलता है वहां पर दिखाता है, बोलता है कि 99 बुखार है, 99 बुखार है, ऐसा बोलता है, सब लोग चेक करता है तो 102 है, 101 है, 103 है। जो वहां पर जो वहां पर हम लोग थर्मामीटर में जो हम लोग वहां पर मेजरमेंट होता है, जो मापता है, वो डिग्री फारेनहाइट में मेजर करता है ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग देखेंगे अगर डिग्री सेल्सियस में रहेगा या डिग्री फारेनहाइट में रहेगा तो कैसे उसको सेल्सियस में लेंगे, और सेल्सियस रहेगा तो कैसे उसको फारेनहाइट में लेंगे या रिगर में लेंगे या केल्विन में लेंगे। आज हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग उसको चेंज करके देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है 3/100 इक्वल टू 1-32/180 बराबर आर वाई, आर का क्या डिग्री रिमोट बोलते हैं, वाई 180 इक्वल टू के माइनस 273/100। के क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, डिग्री सी क्या है, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड है, एफ क्या है, डिग्री फारेनहाइट है, और आर क्या है, डिग्री रिमोट है, और के क्या है, डिग्री केल्विन है। केल्विन बोलते हैं इसमें डिग्री इसमें नहीं बदलती है, ठीक है, डिग्री इसमें इंच नहीं करते, केल्विन इसके बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। अब तो वो आपको यहाँ बुखार चेक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मान डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर C/5 बराबर एफ माइनस टू। किसी चीज को चेंज करना है, डिग्री फारेनहाइट को सेंटीग्रेड चेंज करना है, इसका दो फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला यही चलेंगे C/5 बराबर जिसको जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसी को लेंगे बदल। सवाल यहाँ है 250 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल, यहाँ क्या हो गया, बदल। अब दो कैसे बदलेंगे इसको, क्या करेंगे, जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको मानो डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो वही फॉर्मूला सुन लेंगे C/5 = F - 32/9। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ सी के बड़े कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ सी हमको निकालना है, सी हमको निकालना है, क्या निकला, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, निकालना है, यहाँ सी कितने दिन बाय भार बराबर एक का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक का यहाँ डिग्री में नाइट मान कितना दिया हुआ है, 250 है ना, 250 माइनस 32/9। अब जो देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या देगा यहां से, यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी नाइन सी बराबर कितना जाएगा, और हाई सी से बच्चे कितना जाएंगे, 232 जाएगा, कितना जाएगा, 218 बने कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 5, 218 बने 5।
पांच हो जाएगा, अब क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे, सी बराबर क्या रहेगा, सी बराबर 218 गुना 5 बटा में 9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा जो आएगा, इसको क्या करेंगे गुना भाग कर देंगे, जो भाग कर लेते जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। गुना भाग कर लेगा कितना रहेगा, गुना भाग कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा सी बराबर 121.11 क्या है स्थिति डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, मतलब 2800 फैराइट बराबर कितना रहेगा 121.11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अगला सवाल क्या है। चौथा सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन है आपके पास अपना 117 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल। सवाल क्या है आपके पास, 117 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब जो टर्म को निकाला है केल्विन को उसी से कन्वर्ट करेंगे, क्या रहेगा सी बाई फाइव बराबर के माइनस 273 बटा क्या हो जाएगा जी 5। जो इसको नोट कीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग। जब अगला सवाल है, जो आपका अगला सवाल है -40 डिग्री फैरेनहाइट को क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, फैरेनहाइट क्या बदलना है सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेगा वो, पर जो जो टर्म को दिया है उसे कंपैरिजन करेंगे बराबर करेंगे सी बाई फाइव बराबर कितना था फैरेनहाइट सेल्सियस में बदलना क्या करना है 1-32 बाई क्या रहेगा 9। अब इसका वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू दिया है 9 के बाद एक का वैल्यू दिया है ना सी बाई फाइव भी है -72/9। अब यहां से काट के उसको कितना कटेगा, नॉट
सी बराबर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सी वाला कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ गया, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह टेम्परेचर को मतलब डिग्री सेल्सियस को फैराइट में बदलना है या डिग्री में बदलना है या केल्विन में बदलना है, हम लोग इस तरह से बदलेंगे। एक और लास्ट सवाल देखो, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछता है यार, सोचे रहेगा मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले। बोला सोचे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है, केल्विन में बदलना है। क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले के लिए C/5 बराबर केल्विन बनना है, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को फैराइट में केल्विन में इसको चेंज करते हैं। इसको ध्यान से आप लोग बनाइएगा, एग्जाम कभी कभी एक नंबर या दो नंबर क्वेश्चन से पूछ देता है। आज के लिए इतना ही।